आई टुक क्लैट इन 2017. मैंने दो साल तक इस एग्जाम की तैयारी करी थी, मतलब 11th और 12th में, जिसमें 12th क्लास में मेरी मेजर स्टडीज हुई थी. थैंकफुली आई वॉज एबल टू क्रैक दिस एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ विद AIR 501. इसलिए वाइल इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अच्छी तरीके से स्टडीज कर सकते हो फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कैन आई क्रैक क्लैट इन 3 months, 5 months, 6 months एंड सो ऑन. वेल, मैंने पर्सनली लोगों को 1-2 months की प्रिपरेशन के साथ भी क्रैक करते हुए देखा है क्लैट को. एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज क्लैट इज एन एग्जाम जिसमें मेन कैरेक्टर GK और इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं. नाउ जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को 1-2 months की प्रिपरेशन के साथ क्रैक करते हैं, उसमें मेजोरिटी वाले केस में वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बचपन से या फिर एक अच्छे खासे समय से इंग्लिश नॉवल्स एज वेल एज इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होते हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट, अगर आप एक अच्छे खासे समय से नॉवल्स एज वेल एज इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन 3-4 months प्रिपरेशन ऑल्सो. बट अगर आपको अपनी लैंग्वेज पर काम करना है, आपके लिए स्टैटिक करंट GK बिल्कुल ही नई तरह की चीजें, तो यस, यू मे रिक्वायर 6-12 months ऑफ प्रिपरेशन. And that's totally fine. 1 साल अगर आप अपने करियर की तैयारी के लिए लगा लेते, किसी अच्छे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए लगाते, that's not a bad thing at all. The second most asked question is this. See, coaching में reality में क्या होता है? First, they tell you about the exam. क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलता है, एंड सो ऑन. ये आप खुद से भी कर सकते हो. सेकंड, दे गिव यू द सोर्सेज जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो. अगेन, आप खुद भी मटेरियल बाय कर सकते हो, और आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें मैंने सारी किताबें बता रखी जिससे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो. थर्ड, आप अपने डाउट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स होते हैं उनके सामने पुट अप कर सकते हो. ये भी आप खुद कर सकते हो अगर आपको कोई एस्पिरेंट मिल जाता है जिसके साथ आप ग्रुप स्टडी कर सको या जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चंस की. तो दिस थिंग ऑल्सो कैन बी डन बाई योर सेल्फ. बट फिर भी अगर आपको इतनी सारी कैलकुलेशंस नहीं करनी है और आप फाइनेंशियली ओके है, कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर 1 year कोचिंग. बट अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है तो बिना कोचिंग के भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है. जस्ट सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर्स, बाय सम गुड मटेरियल्स, यूज यूट्यूब एंड यू कैन क्रैक दिस एग्जाम विदाउट एनी इश्यू. वेल, मैंने क्या करा था, मैंने 11th क्लास में 2 year लॉन्ग कोचिंग ज्वाइन करी थी. 6 महीने तक आई अटेंडेड ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस, बट उसके बाद 1.5 year तक मैंने लगभग कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी थी. बस मैं कभी कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला जाता था और अपने जो टीचर्स थे उनसे अपने डाउट्स पूछ लेता था. दैट्स ऑल. मतलब मेरी मेजोरिटी स्टडीज सेल्फ स्टडीज ही थी, बट कोचिंग ने मुझे टू सम एक्सटेंट जरूर हेल्प करा था, मेनली उस समय पे जब मैं क्लैट के बारे में इतना नहीं जानता था. इसलिए अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो 6-12 months का कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लो. आई थिंक दैट वुड बी इनफ. विच कोचिंग इंस्टीट्यूट टू ज्वाइन? वेल, मैंने पर्सनली लीगल एज के मटेरियल्स एज वेल एज मॉक्स बाय करे थे, एंड अकॉर्डिंग टू मी लीगल एज इज द बेस्ट, सो आई कैन सजेस्ट दैट ओनली. आप अपनी सिटी में जाओ और सिटी में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो, एंड यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ विच वन इज गुड. बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट लीगल एज. अब मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता था कि जब से मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट करा है, मुझे हर रोज कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेल्स आते हैं जहाँ पे वो मुझे ऑफर करते हैं टू कोलैबोरेट विद देम. बट एज मैंने पर्सनली लीगल एज के ही मॉक्स एज वेल एज मटेरियल्स यूज करे थे, आई ओनली वॉन्टेड टू वर्क विद लीगल एज. और जब उनका मेरे पास मेल आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी. सो इफ यू यूज माई कोड Harshal15, यू विल गेट ए 15% डिस्काउंट ऑन वॉट एवर यू बाय फ्रॉम लीगल एज. फॉर सोर्सेज मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है टाइटल्ड बेस्ट बुक्स फॉर क्लैट. ये वीडियो मैंने 1 साल पहले बनाया था क्लैट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए शायद तक. बट अगर आप क्लैट 2023, 24, 25 किसी की भी प्रिपरेशन करो, दिस वीडियो इज टोटली सफिशियंट फॉर यू. इसलिए सोर्सेज में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा. आप इस वीडियो को कम्प्लीट करके सोर्सेज के लिए वो वीडियो देख सकते हो. नेक्स्ट सेक्शन हम बात करेंगे क्लैट स्ट्रेटेजी के बारे में, विच वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. The first step is go through and solve all the past year papers, especially CLAT 2020 से लेकर CLAT 2022 तक. उनको solve करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह के questions असल में आते हैं. एक बार solve कर लो तो note down करो कि कितने different तरह के questions आते हैं, और फिर उनको start करो solve करना जो भी आपके coaching institute की books है उसमें से, या फिर जो मैंने इस video में suggest करे की books उसमें से. ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपना कोर्स कंप्लीट करके कम से कम 2-3 बार उसको रिवाइज करना है अगर आप एक बहुत ही अच्छा रैंक लेके आना चाहते हो. तो
फॉर एग्जाम्पल ये बुक मैंने 2 से 3 बार कंप्लीट करी थी और इसलिए मेरे लॉजिकल रीजनिंग में 32 out of 40 मार्क्स आए थे विच वर गुड मार्क्स. बट जीके में मैंने कई सारे नोटबुक्स भर दिए थे नोट्स बना के बट मैंने उनको कभी भी रिवाइज नहीं करा था इसलिए मेरे कंपैरेटिवली कम मार्क्स आए थे. एंड दिस वाज द लेसन दैट आई लर्न कि हमेशा रिवाइज करो. अगर आपने रिवीजन नहीं करा है तो आपके कोर्स कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं रहा. इसलिए जल्दी कोर्स कंप्लीट करने के लिए हर रोज 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ो जिसमें जीके कॉमन होने चाहिए. मतलब आप मंडे को जीके इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो तो ट्यूसडे को आपको फिर से जीके लॉ और जो बचा है सब्जेक्ट वो पढ़ना है. पर जीके हमेशा कॉमन रखनी है. हर रोज जीके पढ़ना ही पढ़ना है. अगर आप 2 से 3 सब्जेक्ट दिन में पढ़ोगे और हर रोज चेंज करोगे आप सब्जेक्ट्स तो इससे आपका माइंड भी रिफ्रेश रहेगा एंड कोर्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. जब आप नोट्स बनाते हो तो आपका ब्रेन बायोलॉजिकली चीजों को बेटर वे में रिमेम्बर करता है. नोट्स आपको फास्ट रिवीजन में भी हेल्प करते हैं. दिस इज व्हाई इफ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स यू आर नॉट स्टडिंग एज सिंपल एज दिस. हर एक सब्जेक्ट में आपको नोट्स के लिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है. जीके के नोट्स हर रोज बनाने हैं. इन द सेम वे इंग्लिश में भी आप कभी कोई नए वर्ड्स के अक्रॉस आते हो तो वो लिखना है. कम से कम आपकी 1-2 कॉपीज भर जानी चाहिए इंग्लिश के न्यू वर्ड्स से. लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स और लॉ में कोई फैक्ट्स ऐसे नहीं होते इसलिए आप जीके और इंग्लिश जैसे नोट्स नहीं बना सकते. बट इसमें आप अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग में आप अपनी ये ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो कि जब कोई अजम्पशंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो मुझे उसमें इस तरीके से आंसर करना है एंड सो ऑन. कोई ज्यादा डिटेल्ड ब्यूटीफुल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. बस इस तरीके से बना लो कि आप जो लिख रहे हो आपको समझ में आ जाए और आप वापस से उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर सको. इस सेक्शन में मैं आपको मेरी पर्सनल क्लाइंट जर्नी से जो लर्निंग्स थी उसके रिगार्डिंग कुछ स्मार्ट टिप्स दूंगा. बिलीव मी अगर आपने ये टिप्स फॉलो करी तो आप टॉप 1-5% स्टूडेंट्स में आ जाओगे. फर्स्ट टिप रिगार्डिंग लीगल सेक्शन. क्लैट कमिटी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको डीप लीगल नॉलेज हो बट स्टिल आपको कई सारे टर्म्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स एज एज पॉलिटिव बेस्ड प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विकेरियस लाइबिलिटी एंड सो ऑन पता होने चाहिए. बिकॉज जब आप एग्जाम दे रहे होगे और आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होगे तो आपको ये पार्ट रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा. सेकंड टिप लीगल रीजनिंग में ऑलवेज रीड ऑल दी 4 options or 5 options दैट आर देयर इन द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन रीड करा उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन रीड करा फर्स्ट ऑप्शन का आंसर उनको सही लगने लग जाता है तो वो बाकी के ऑप्शन रीड नहीं करते और फर्स्ट ऑप्शन को ही मार्क करके आ जाते. बट द थिंग इज लीगल रीजनिंग और लीगल सेक्शन में 1 से भी ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं. But you have to choose the answer that is the most right. So, even though the first option may be seeming good, हो सकता है कि third option उससे भी ज्यादा अच्छा हो. So, read all the options that are there in the question. मैंने personally भी यही करा था. मैंने अपना आपको बहुत discipline बना दिया था हर एक option read करने के लिए और इसके कारण मेरे legal section में बहुत अच्छे marks आए थे Class 2017 में. फर्स्ट टिप जीके में करंट जीके के लिए 2 से 3 सोर्सेज रिफर कर सकते हो आप. फर्स्ट सोर्स कुड बी विजन आईएएस एंड सेकंड सोर्स आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली कोई बुकलेट है तो वो हो सकती है. उसके अलावा भी आपको कोई एक सोर्स और लेना है तो आप वो ले सकते हो बट 3 सोर्सेज ज्यादा यू शुड आइडियली नॉट रिफर. What about newspaper? Well, according to me, newspaper आपको read करने की जरूरत नहीं है जीके के लिए. Because अगर आप Vision IAS use कर रहे हो current जीके के लिए तो Vision IAS में already The Hindu, PIB, PRS और कई sources से information collect करी जाती है और एक 2-3 page की PDF में डाली जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है कि डिटेल्ड क्या क्या सोर्सेज यूज करने हैं ये मैंने इस वीडियो में बता रखा है. सो वॉच दिस वीडियो ऑल्सो. इंग्लिश सेशन के लिए टिप जीके के लिए तो आपको न्यूज़पेपर रीड नहीं करना है बट इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. पर पूरा न्यूज़पेपर रीड नहीं करना है ओनली रीड द एडिटोरियल्स. अगर आप अपने कोर्स की बुक के साथ ऐसे 2 editorials भी दिन में पढ़ लेते हो तो आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी हो ही जाएगी साथ साथ में आपको बहुत ही इनडेप्थ नॉलेज भी होगा करंट अफेयर्स एज वेल एज जीके के बारे में. अगर आपने आज तक कभी एडिटोरियल्स रीड नहीं करे हैं अभी आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना चालू करा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से ही 2-3 editorials रीड करना चालू मत करो. सबसे पहले 7 दिन तक रीड ओनली 1 editorial. इच्छा भी हो रही है 2 read करने की तो भी रीड मत करो केवल 1 read करो. फिर 7 दिन के बाद उसको 2 editorials बना सकते हो 2 के बाद आप 3 भी बना सकते हो. द थिंग इज यू शुड स्टार्ट स्लो. आपको हैबिट बनानी है यहाँ पे इसलिए स्टार्ट वेरी स्लो एंड धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ रीड करने की.
कीप दिस थिंग इन माइंड, अदरवाइज फर्स्ट दिन ही अगर आप दो तीन रीड करना चालू कर दिया तो आपका ब्रेन थक जाएगा और वो बिल्कुल भी रीड करना पसंद नहीं करेगा. सो गो स्लो एंड टेक योर टाइम. मैथ्स में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जैसे रेशियल प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब कंप्लीट करो, बिकॉज क्लैट में इस तरह के टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस आस्क करे जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. एक बार बेसिक चैप्टर्स क्लियर हो जाए तो उसके बाद स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. इजी से टफ क्वेश्चन पे जाओ धीरे धीरे सॉल्व करके. नाउ थर्ड स्टेप में आपको जो टाइम लग रहा है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको कम से कम करना है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पीक प्रिपरेशन टाइम आई वॉज एबल टू सॉल्व ए क्वेश्चन इन 30 to 45 seconds. सो फॉलो दीज 3 steps एंड यू विल गेट गुड स्कोर इन द मैथ सेक्शन. फाइनली लॉजिकल रीजनिंग. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते. द ओनली वे टू बिकम बेटर इन LR इज बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा है तो उनका जो मटेरियल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर नहीं ज्वाइन करा है तो ये बुक या फिर तो बाय करो या इसका PDF कैसे डाउनलोड करो एंड सॉल्व द क्वेश्चन दैट आर देयर इन दिस GMAT बुक. क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर्स में जाओ और जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है हर एक आंसर के पीछे उसको समझने की कोशिश करो. धीरे धीरे जैसे आप पढ़ोगे क्वेश्चंस को, एक्सप्लेनेशंस पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रीजनिंग यूज करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. टू बी ऑनेस्ट द सब्जेक्ट्स इन क्लैट आर रियली गुड. ये लॉजिकल रीजनिंग, GK, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये रीजन था कि मैंने 11th क्लास में प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी थी बिकॉज आई वॉज रियली एंजॉइंग द सब्जेक्ट्स इन द प्रोसेस. अब लास्ट सेक्शन है मॉक्स. स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स जैसे ही आपका 30 to 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. जब आप मॉक्स दे रहे हो तो बिल्कुल इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाओ जिसे आप रियल एग्जाम में दे रहे हो. मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो आई डिडंट इवन यूज टू गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर व्हेन आई यूज टू गिव मॉक्स. और ये रीजन था कि शायद क्लैट में लाइट्स चली गई थी या पंखा बंद हो गया था जब मैं रियल क्लैट एग्जाम दे रहा था और फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा था बिकॉज मैं अपने आप को इतना प्रिपेयर कर चुका था हर सिचुएशन में मॉक्स देने के लिए कि आई वॉज रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एज वेल. किस तरीके से अटेम्प्ट करना है मॉक्स को, किस तरीके से अच्छे मार्क्स लेके आने, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा. सो डू वेट फॉर दैट वीडियो एज वेल. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता था इसलिए मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है. एंड बिलीव मी दिस ओवरव्यू इज गुड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन क्लैट एज वेल एज A-LIT 2. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. हैव अ ग्रेट डे.